एक बार फिर से हम आज के डेली डिवोशन में प्रभु के सम्मुख उपस्थित हैं और धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें फिर से आज की इस रात्रि में अपने सम्मुख बुलाया ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए पिता, कि आपने फिर से हमें इस योग्य ठहराया कि प्रभु जी हम आपके नाम अपने मुख से ले सके। पिता आप ही आदर के योग्य, आप ही महिमा के योग्य, आप ही स्तुति के योग्य है पिता। आपने अब तक हमें संभाला पिता, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता की कि हम अपने पिता का नाम ले पा रहे। पिता हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपको ये भाता पिता, जब आपके बच्चे अपनी आत्मा सच्चाई से प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं पिता, प्रभु जी जो कुछ भी हम करें खुदा सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए कर सके। देखिए पिता परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने जा रहे पिता, हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते हैं आज के सेशन में खुदावन, हम आपके वचन द्वारा खुदावन आशीषित होने पाए। वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि प्रभु जिस पर चलने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, विशेष तौर से आपके दास को आपके सम्मुख रखते हैं पिता, के देह प्राणात्मा जी आपका कंट्रोल रहे, मुख होगा उनका हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, हरेक को नम नम आशीषित करना पिता, हरेक का मन खुदा आपके वचन को सुनने के लिए तत्पर रहे, अपने मन पर हम कंट्रोल करने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर एक बार फिर सब सबको प्रोचे अपने आशीषों से परिपूर्ण करिए पिता, हम आपके शब्द को सुनने वाले बने पिता। तो जो हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज की रात्रि में एक बार फिर से हम सभी को एकत्रित किया कि हम रोज रात्रि की तरह एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और हमारे साथ मिलकर आप परमेश्वर की आराधना करें। और जैसा कि वचन हमें सिखाता है भजन संहिता 115 अध्याय के 11 पद में, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा सहायक और ढाल कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर एक
के आने का वादा ही पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा ही पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां। ये आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां। यस लॉर्ड, हालेलुया। हां प्रभु यीशु मसीह, आपके पास आना चाहते हैं पिता, तो जी आपकी आवाज को सुन सके खुदावन। आज आप हमसे क्या बात करने जा रहे खुदावन, अपने कानों को मुझे आपकी आवाज को लगा सके। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह। यस लॉर्ड, देखेगा सारा जहां। आप ही गाए, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मिले आसमां के पार जाए, प्रत्येक जन नीले आसमां के पार जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और किसके साथ हम रहना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ। जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह रहता है, वहां उसके साथ रहना चाहते हैं। और वहां जाने के लिए हमें बहुत सी तैयारियां करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु हमें रोज वचन से सिखाते हैं हमें किस प्रकार से अपने जीवन को तैयार करना है। आइए हम प्रभु की बातों को सुन सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सब भाई बहनों को मिलाया है कि हम आज की रात्रि में खुदा की उन बातों को, उन गहरे राजों को हम सीख सकें जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है। हालेलुया। और यीशु मसीह का, मेरे प्रियो, कभी भी आगमन हो सकता है, और जिस समय को हम सोचते भी ना होंगे, जिस समय हम जानते भी ना होंगे, उस समय मेरे प्रियो खुदावंद यीशु मसीह आ सकता, आ जाएगा। और मती रची सुसमाचार और उसका 44वां पद, मती रची सुसमाचार और उसका लेसन 24 और वर्स 44 क्या कहती है? प्रेज द लॉर्ड। जिस समय तुम सोचते भी नहीं हो, उसी समय प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। ये बात आप जानते हैं या नहीं जानते? मेरे प्रियो, अगर आप नहीं जानते तो अभी इस बात पर मनन कीजिए कि जिस समय मैं और आप सोचते भी नहीं होंगे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया।
ये बड़ा सवाल है मेरे प्रियो आज लोगों के जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, कब आएगा। एक सवाल है, बड़े भविष्यवक्ताओं ने, बड़े बड़े लोगों ने जो बड़े भविष्यवक्ता थे, प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि अरे यीशु मसीह फला वर्ष में आ जाएगा, यीशु मसीह फला तारीख को आएगा, यीशु मसीह फला सन में आ जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बड़े बड़े प्रचारकों ने कहा इस बात को, लेकिन क्या उन्होंने ये भविष्यवाणी या ये बातें उन्होंने प्रभु के दर्शन में होते हुए कही थी या अपनी मर्जी से कही थी मेरे प्रियो? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से इन बातों को कहा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो क्या कहता है, ना पुत्र को पता है, ना स्वर्गदूतों को पता है, केवल पिता को पता है कि कब वो प्रभु यीशु मसीह को भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, ये सवाल बड़ा है मेरे प्रियो। कितने लोग उसके, जैसे मैंने कहा कि कितने प्रभु के ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़ी बड़ी तारीखें दे दी, बड़े बड़े सन दे दिए, और परंतु सब बातें झूठी निकली। अभी भी बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा ही नहीं, ये सब बातें झूठी हैं। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, परंतु वो वचन को नहीं पढ़ते, क्योंकि वचन में लिखा है और जो कुछ बातें वचन में लिखी है मेरे प्रियो, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। वो अमिट बातें हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। और लिखा है, परंतु जो सच्चे मसीह है वो ये कभी नहीं कहेंगे और ना कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, हालेलुया। ये बाइबल की बहुत बड़ी सच्चाई है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे पवित्र कलाम में जो कुछ लिखा हुआ है मेरे प्रियो, वो सच्चा और सच्चा और सच्चा है। आज जो घटनाओं को हम देख रहे हैं, आज जो परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, आज जो हालातों को हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, वो आने वाली उन बातों के विषय में कह रहा है कि अंतिम समय आने जा रहा है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मेरे प्रियो, खुदा की बातें, खुदा का वचन बिल्कुल सही है, और उसको मैं और आप नहीं मिटा सकते, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा और अपने चुने हुए लोगों को, हालेलुया, अब देखने की बात है वो चुने हुए लोगों में क्या मैं हूँ, क्या आप हैं, या और अन्य कोई है। क्योंकि मेरे प्रियो, क्योंकि चुने हुए लोग जो परमेश्वर की नजर में चुने हुए होंगे वो जाएंगे, मनुष्य की नजर को हम नहीं मानते, क्योंकि जो नजर प्रभु की है, जो देखना प्रभु का एक्सरे है, वो एक्सरे मेरे और आपके शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है उसका एक्सरे उसके पास है, हालेलुया। सारे एक्सरे फेल हो जाएंगे, मशीनें फेल हो जाएंगी, और लोगों की नजरों के जो एक्सरे हैं वो भी हो जाएंगे फेल, क्योंकि वो अपनी नजर से देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्यों के देखने जैसा नहीं है, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखता है, मनुष्य ऊपरी रूप देखता है, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह कहाँ देखता है, अंदर देखता है। तो मैंने शुरू में जैसे कहा, वो एक्सरे मशीन उसकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब मैं और आप चुने हुए लोग उसके साथ जब जाएंगे, जो भी होगा चुना हुआ उस समय, प्रेज द लॉर्ड, परंतु कोई तारीख आज तक अभी नहीं दी गई है। इसलिए विशेष तारीख, विशेष सन और विशेष समय की जो बातें हैं उनको आप भूल जाइए, क्योंकि ये किसी को नहीं मालूम है, हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:6 कहता है, हालेलुया, वो क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा है, क्या कहा, मेरे आने की तारीख मुझको भी नहीं मालूम, मेरे आने का समय मुझको भी नहीं मालूम, क्योंकि जो
मालूम है। वो स्वर्ग किसको मालूम है? वो पिता को मालूम है, ना पुत्र को मालूम है और ना स्वर्ग दूतों को मालूम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने बताया क्या क्या घटनाएं हमारे जीवन में होंगी, उसके आने से पहले क्या क्या घटनाएं होंगी, इस बात का प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन में वर्णन किया है। हालेलुया। और हम कुछ थोड़ी सी बातों पर हम अध्ययन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। पहला संसार नूह के दिनों में डूबा पानी में, और क्या हुआ मेरे प्रियो? नाश हो गया। अभी संसार किससे जलाए जाने वाला है? पब संसार आग से जलाया जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आने वाला समय आग, आज मई और जून अभी नहीं आया, अभी मई का महीना है और अभी 8 और 10 तारीख हुई है। और हालात मेरे प्रियो क्या है? आज तप रहा है सूर्य 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये उस गर्मी की बात नहीं हो रही, ये उससे जलाया जाना नहीं होगा। ये आज जो संसार बम्स और ये बड़े बड़े हथियार बना रहा है, उससे लोग जलाए जाएंगे। हालेलुया, देख रहे हैं ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है दूसरा पत्रस 3:7 में लिखा है, नूह के दिनों में पानी में डूबकर संसार नाश हुआ, अब आग से जलाया जाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या इस बात पे आप विश्वास करते हैं? आज से 100 साल पहले इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता था। इन सालों में पहले से कोई विश्वास नहीं करता था मेरे प्रियो, क्योंकि इंसान इस तरह सोचता ही नहीं है कि इतनी आग, इतनी गर्मी कहां से आएगी। हालेलुया, सारी दुनिया जल जाए, परंतु आज हम देख रहे हैं एटम बम, दुनिया भर की चीजें आदमी ने इतने बना दिए हैं और वो अपनी ही आग में जलने को तैयार बैठा है। हालेलुया, क्यों अपनी आग में जलने के लिए तैयार बैठा? क्योंकि उसने इतने हथियारों को तैयार कर लिया है मेरे प्रियो, ताकि जब ये एक साथ फूटेंगे, एक साथ इनमें आग लगेगी, तो मेरे प्रियो क्या हाल होगा? संसार ऐसे 100 संसार अगर पूरी दुनिया में बम और जो हथियार बनाए गए उसी प्रकार से मेरे प्रियो ये क्या होंगे, जलाए जा, एक साथ जल उठेंगे, तो पूरा संसार 100 संसार भी मेरे प्रियो नष्ट हो जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। मनुष्य ने खुद ही अपने नाश के लिए क्या करी है? आग पैदा करी है। हालेलुया। और इस बात को बाइबल को सच्चा ठहराया है। किसको? खुदा के वचन को खुद मनुष्य ने सच्चा ठहराया। हालेलुया। नूह के समय आदम से शुरू होता है क्या? हालेलुया। यीशु मसीह का कहना है, जैसे आदम से नूह के समय दुनिया नाश हुई थी, होने तक जमाना था, वैसे ही क्या है आज भी मेरे प्रियो? संसार की वही हालत है, संसार में वही चीजें हो रही हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब बातें पहले संसार में हो चुकी हैं, और ये पहली बातें जो हुई, आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, और आज कोई परमेश्वर की आज्ञा की चिंता ही नहीं कर रहा। आज बच्चे, मनुष्य, माँ बाप परमेश्वर से डरते नहीं। आज लोगों में परमेश्वर का भय नहीं है, उन्हें पाप करने से मतलब है, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। पूरी रीति से जो व्यभिचार है, पूरी रीति से जो पाप है, इस संसार में फैल चुका है मेरे प्रियो। और आज देख रहे हैं मनुष्य रिश्तों को भूल चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा की उसे चिंता नहीं है, और मनुष्य जो है पूरी रीति से हर पल हर क्षण पाप करने के लिए तैयार है। आज दुनिया भर में व्यभिचार हो रहा है, आज दुनिया भर में नशा हो रहा है, आज दुनिया में गलत काम हो रहे हैं, लोग आज गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं, आप गलत बातें मुंह से बोलते हैं। ये है मेरे प्रियो आज का समय। हालेलुया। और चाहे किसी को कितनी भी हानि उठानी पड़े, वो सारे गुनाह करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कहता है इतने दिनों से हमसे ये सुनते चले, कुछ नहीं होता, कोई पाप नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई प्रभु का ऐसा कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हाबिल की भेंट के बारे में हम जानते हैं,
हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया और केन की भेंट को जो है उसने क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय पर पद कहता है, आज भी मनुष्य बात बात पर गुस्सा करता है और नो के दिनों में भी इस गुस्से का पाप था। हालेलुया। और आज ये तेजी से फैल रहा है मेरे प्रियो। क्रोध में आकर केन ने हाबिल को क्या कर डाला, मार डाला। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने गुस्से के पाप को किसके बराबर बताया, खून करने के बराबर बताया। प्रेतरो हालेलुया, जो लोग क्रोध करते हैं हालेलुया वो खून करने के बराबर है। प्रेतरो हालेलुया, किसी को जान से मारने से पहले क्या आता है मनुष्य को मेरे प्रियो, क्या भी आपने सोचा है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और क्रोध नहीं, आदमी कभी भी क्रोध नहीं करता तो वो किसी की क्या नहीं करता, हत्या नहीं करता। आज मेरे प्रियो क्रोध है, इसीलिए तो आज संसार में हम देख रहे हैं हत्याएं हो रही है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं और लोग लोगों को मार रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि क्रोध का पाप इस संसार में आ गया है और भरपूरी से चल रहा है। और यीशु ये चिन्ह जो है यीशु मसीह के शीघ्र आने का समय है। आज मेरे प्रियो हम उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय 17 पद में पढ़ते हैं, केन ने एक शहर बसाया और आज हम देख रहे हैं संसार में इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जंगल गांव खत्म होते जा रहे हैं और बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग और बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनती चली जा रही है और तेजी से शहर के शहर बसते चले जा रहे हैं। आप हाईवे पे जाएं, आप उन जगहों पर जाएं, आपको कोई स्थान खाली नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि पूरी रीति से मेरे प्रियो लोगों की बिल्डिंग बने बिल्डिंग बन रही है और लोग घर पे घर बनाते चले जा रहे हैं, घर खरीदते चले जा रहे हैं। लोगों को इतना हौका है मेरे प्रियो, किसी के पास एक घर है तो वो दूसरे ने देखा, अरे इसने लिया 3 घर 4 घर 5 घर बोलते हैं लोग, अरे मेरे पास आज इतने घर है। हालेलुया। और जाना कहाँ है, 6 फुट के गड्ढे में, 6 फुट के गड्ढे में जाना है और वहां ना कुछ है, ना आराम है, ना कोई चीज है, वहां तो सड़ना और गलना ही है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो आज हम देख रहे हैं कि हम छोटे थे मेरे प्रियो, हम आगरा शहर में हम जानते कि छोटे थे तो बड़ा सन्नाटा रहता था और हम स्टेशनों के पास देखते थे, इतनी जगहें खाली थी मेरे प्रियो कि दिन में लोग जाने से घबराया करते थे उन स्थानों पर। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य को तिल रखने के तिल के समान भी जगह नहीं है, पैर रखने की इन शहरों में जगह नहीं है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि अपनी पहचान बनाने के लिए मनुष्य अपने घर के सामने अपना नाम, अपना नाम अपने परिवार का नाम लिख रहा है। हालेलुया। और केन ने भी अपने बेटे एनोश के केन ने भी अपने बेटे के नाम पर हनोक शहर का नाम रखा। हालेलुया। आज लोग अपने घरों का नाम रख रहे हैं, ये बिला वो बिला तमाम दुनिया भर की रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैंने अपने घर के सामने जो बोर्ड लगाया है, घर के मेन गेट पे जो बोर्ड लगाया है, कभी अवसर होगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा। और वो लिखाया है कि आप प्रभु यीशु मसीह की निगरानी में हैं। हालेलुया। क्या है, आप प्रभु यीशु मसीह की निगरानी में। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे घर के दरवाजे पर लिखा हुआ है। हालेलुया। और लोगों का ये सोचना है कि जब मैं अपना नाम इस घर के दरवाजे पर इस बिल्डिंग पे लिखवाऊंगा तो मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम चलता रहेगा, लोग पहचानेंगे ये फला व्यक्ति का नाम है, ये फला व्यक्ति का घर है, इसके नाती पोते इसके बच्चे यहाँ रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो अपने नाम को अमर करना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो सिर्फ परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है, अमर है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकाली और स्त्री को बना दी, परंतु हम देखते हैं कि नूह के समय में भी क्या हुआ,
लोगों ने दो दो पत्नियां रखनी शुरू कर दी, दो दो पत्नियां। आज हम देखते हैं कि संसार में मनुष्य की यही हालत है, लोग दो दो पत्नियों को रखकर चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देख रहे हैं म्यूजिक चरम सीमा पर है और ऐसे ऐसे म्यूजिक बन रहे हैं जिससे कि आप अगर आप सुनेंगे तो आपके दिल धड़क जाएंगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ऐसा म्यूजिक चल रहा है। लेकिन क्या आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के आत्मिक गीतों को गा रहे हैं, आत्मिक म्यूजिक बजा रहे हैं? जब हम देखते हैं कि प्रेज एंड वर्शिप करने वाले लोग भी इतना फास्ट म्यूजिक बजाते हैं, उनका सारा ध्यान कहां पर है? उनका सारा ध्यान म्यूजिक के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, उनका सारा ध्यान म्यूजिक के ऊपर लगा है। वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये उन्हें नहीं मालूम। लेकिन मेरे प्रियो, आज मनुष्य पूरी रीति से म्यूजिक में डूबा हुआ है और उस समय भी हम देख रहे हैं कि मनुष्य जो है ऐसे आज गीत सुन रहे हैं जो इंसान को पाप करने पर मजबूर कर देते हैं। गंदी गंदी गालियों वाले गीत हैं मेरे प्रियो। बहुत से सिंगर, बहुत से रैपर जो है वो ऐसे गीत गा रहे हैं जो गंदे गालियां हैं, लड़कियों के अंगों के गंदे नामों को ले रहे हैं मेरे प्रियो। ये हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो कि तुम क्या सुनते हो। मरकुस रचित सुसमाचार और 4 अध्याय कहता है कि तुम सतर्क रहो कि तुम क्या सुनते हो, क्या देखते हो। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है रोमियो 10:17 के अंदर कि क्योंकि सुनने से क्या होता है, विश्वास होता है। मैं और आप क्या सुन रहे हैं, मैं और आप क्या देख रहे हैं, मैं और आप क्या कर रहे हैं, ये देखना है। हालेलुया, आज लोग फिल्मी गीतों के सिवा और कुछ नहीं गा रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप प्रभु की महिमा के लिए गीत गा रहे हैं, ऐसे हैं या नहीं है? आज लोगों के पास क्या है, फालतू की बातें हैं, फालतू की चीजों में समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए प्रभु के वचनों को पढ़ रहे हैं? क्या जो भी आपको देख रहे हैं वो प्रभु से संबंधित है या नहीं? क्योंकि जीवन तो प्रभु यीशु मसीह के पास है मेरे प्रियो। आज हम देख रहे हैं, जरा सी तुलना करके देखें नूह के दिनों में और आज के समय में संसार के लोग क्या कर रहे हैं। और नूह क्या कर रहा था, रात और दिन नूह बाबा प्रभु की सेवा के लिए प्रभु की आज्ञा के अनुसार जो जो नक्शा प्रभु ने बना के भेजा था उस नाव का, और ये प्रचार 120 साल उन्होंने किया नूह बाबा ने कि पानी बरसेगा, ऐसा होगा, और लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना। हालेलुया, रात दिन नूह बाबा एक ही काम में लगे थे कि कैसे भी परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, क्या मैं और आप ऐसा कर रहे हैं मेरे प्रियो? अगर नहीं कर रहे तो आप बदल दीजिए अपने नजरियों को। हालेलुया, और आप प्रभु की महिमा करना शुरू कर दीजिए। सारा समय टीवी में, गलत बातों में, गलत संगीत में मत गुजारिए मेरे प्रियो। हालेलुया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जितना समय आप और बातों में गुजार रहे हैं प्रभु की वचन में गुजारिए मेरे प्रियो, आपके जीवन बच जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के आज इतना प्रचार हो रहा है, कितना प्रचार हम फेसबुक पे और टीवी पर और उस पर यूट्यूब पर सुन रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, अगर नहीं सुनेंगे मेरे प्रियो, उस समय भी जब बाढ़ आने वाली थी, जब पानी भरने वाला था, नूह बाबा ने खूब प्रचार किया, और आज भी मेरे प्रियो आज बहुत आयत से प्रचार हो रहा है, बहुत जगह जगह प्रचार हो रहा है। 2020 से लेकर आज तक लाइव प्रचार हो रहा, हालेलुया। लेकिन लोग नहीं सुन रहे, क्यों? क्योंकि दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में उनका मन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक नूह जहाज पे ना चढ़ा, लोग अपने अपने कामों पे लगे रहे, और आज भी मेरे प्रियो यही स्थिति है। सुसमाचार का प्रचार भरपूरी से हो रहा है पर लोग अपने कामों में मस्त हैं। प्रेज द लॉर्ड, संसार के
लोग तो आनंद मना रहे थे और नूह बाबा आत्मिक आत्मिक कामों के लिए लगे पड़े थे। और देख लीजिए जो नूह बाबा ने परमेश्वर की बात मानी, हालेलुया, तो क्या हुआ, उनका परिवार और वो बच गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह से मिलने की तैयारी करनी है। यीशु मसीह कब आएगा इस बात की चिंता मुझे और आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह कब आएगा ये सिर्फ परमेश्वर पिता का मालूम है। वो वचन कहता है यूहन्ना 14:1-3 तक, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन न घबराए, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी, यीशु मसीह ने कहा, विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, फिर आकर तुम्हें अपने आप ले जाऊं। हालेलुया। क्या आप और मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो मेरे और आपके लिए जगह बनाने की तैयारी कर दी है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप क्या पूरी रीति से तैयार हैं? हालेलुया। मैं और आप जब दूल्हे और दुल्हन की शादी होने वाली होती है तो क्या होता है मेरे प्रियो, लोग दुल्हन जो है दुल्हन बिल्कुल तैयार रहती है और उसका जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन से मिलने के लिए तैयार रहता है और वो बस समेकित रहता है कि वो मिल सके। आज मेरा और आपका यीशु मसीह भी मिलने के लिए तैयार है, लेकिन दुल्हन कलीसिया, मैं और आप मिलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हम तैयार ही नहीं है। हालेलुया। जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे उस दिन यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। अपनी दुल्हन को, अपनी पत्नी को ले जाएगा, और दुल्हन उसकी कौन है? मैं और आप जो मंडली है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जो मंडली के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मंडली से मेरा मतलब कलीसिया से है मेरे प्रियो, मंडली से मेरा मतलब कलीसिया से है। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे और आपको तैयार हो रहना है कि हमारे सारे दाग धब्बे किससे धुल जाएं? प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाएं। हालेलुया। और बेदाग दुल्हन होकर अपने प्रभु से हम मिलन कर सके। प्रेज द लॉर्ड। क्या इस बात के लिए आप तैयार हैं? और ना जाने कब रैप्चर हो जाएगा। लिखाए वचन के अंदर दो व्यक्ति सोते होंगे, एक खाट पे से उठा लिया जाएगा और दूसरा रह जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक चली जाएगी और एक रह जाएगी। हालेलुया। तो इसीलिए दोनों को तैयार रहना है, इसलिए मुझे और आपको तैयार रहना है। हर घर का जो मुखिया है, हर घर के जो पति पत्नी है, उनका काम यह है कि अपने परिवार और अपने लोगों को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हर घर में सांसारिक और आत्मिक दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन मुझे और आपको अपने आप को और अपने परिवार को क्या बनाना है? आत्मिक बनाना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है जो तैयार नहीं होगा। हालेलुया। लूका 17:34-36 कहता है जो तैयार नहीं होगा वो रह जाएगा। हालेलुया। तो आज मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा सवाल है, अगर आज की रात इसी घड़ी यीशु मसीह आ जाए तो क्या मैं और आप तैयार हैं? हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा और आपका जीवन क्या वचन से भरा हुआ है? क्या मेरा और आपका जीवन सत्यता के साथ है? और जैसा वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। तो मुझे और आपको तैयार रहना है, ना जाने कब मेरा और आपका दूल्हा यीशु मसीह आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन की तैयारी को मांगे कि प्रभु तू आज की रात अगर आ जाए तो प्रभु मैं तैयार पाया जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी चली जाए और मैं रह जाऊं, हमारे बच्चे चले जाएं और हम रह जाएं। मेरे प्रियो ऐसा ना हो, क्योंकि रैप्चर हो तो हम सब जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब इतने पक्के हो जाएं, इतने वचन में मजबूत हो जाएं और इतने डूब जाएं खुदा के कलाम में कि जब दुल्हन को लेने प्रभु यीशु मसीह आए तो हम
तैयार पाए जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु कि हम पर तूने रहम किया है। खुदावंद प्रार्थना करते हैं अपनी आशीष और बरकत देना प्रभु, अपनी सहायता करना, अपनी मदद देना हमें, क्योंकि हम तो बड़े कमजोर लाचार हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तेरे वचन के लिए हम मजबूत ठहर सके, और जब तेरा आगमन हो तो प्रभु तेरी कलीसिया, तेरी दुल्हन प्रभु, तेरी दुल्हन तैयार पाई जाए। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे प्रार्थना को सुनता है प्रभु। प्रार्थना करते हैं अपने सारे ऑनलाइन जो भाई बहने और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे, मेरे खुदा अपनी दया करना, सबके मनों को फाड़ना कि वो अपने आप को तैयार रख सके तेरी सेवा के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरी महिमा के लिए। प्रभु जी आपने हमें इस्तेमाल किया, हमारे मुख को प्रभु जी इस्तेमाल किया, लेकिन वाणी तो परमेश्वर आपकी है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी रीति से अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की, और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। और कल जो है बुधवार है, और 7 से 8 ब्रदर डॉक्टर सैमुअल स्टैनली साहब जो आगरा के हमारे भाई हैं, और रात को 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद से हमारे भाई हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना करिए कि हम डेली डिवोशन को रात्रि में जब वचन की रोटी को तोड़ते हैं तो प्रभु आप सबों को भी हमारे साथ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम भी मजबूत रह सके और प्रभु के वचन में चलने वाले बने और प्रभु की महिमा करने वाले, और आप सब भी प्रभु के लिए तैयार रहें। प्रेज द लॉर्ड। जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, मैं सबको जय मसीह की कहता हूं और सबको प्रभु में आशीष बोलता हूं, आपके परिवारों में, आपके लोगों में, आपके बच्चों में, आप जहां कदम रखे वहां परमेश्वर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।